अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आज हमने बनाया है मज़ेदार सा गाजर का हलवा, वो भी बगैर खोए के। ठीक है, चलते हैं उसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमारे पास ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें हलवे के लिए चाहिए। सबसे पहले हमको चाहिए 1 kg कद्दूकस कीवी गाजर। ठीक है, ये 1 किलो है मैक्सिमम, और ये कद्दूकस कीवी गाजर है। ठीक है, इसी के साथ हमको चाहिए, इसके साथ चाहिए हमको वनस्पति 1 प्याली। ठीक है, 1 प्याली घी चाहिए इसके लिए आपको, 1 प्याली ही आपको ये पाउडर मिल्क चाहिए, ये आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। ठीक है, ये 1 प्याली हमने पाउडर मिल्क लिया है। इसी के साथ हमने लिए है चीनी, ये 1/2 प्याली चीनी है। ठीक है, 1/2 प्याली चीनी लेनी है। इसी के साथ हमने लेना है ये मिल्क लेना है, फुल क्रीम मिल्क है। ये मैंने एक दिन पहले बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था, और ये क्रीम वाला थोड़ा सा मैंने दूध लिया। ये हमारे पास 3 ग्लास हमने इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, और यह हमारे पास 1 टीस्पून इलायची पाउडर है। ठीक है, चलते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़े से नट्स वगैरह भी लिए हैं। यहाँ पर हमने पिस्ताशू, थोड़े से ऑलमंड और वॉलनट वगैरह यूज़ करा है, पिस्ता, बादाम और अखरोट। आप अपनी मर्जी का ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं इसको गाजर के हलवे को बनाने की तरफ। ये सबसे पहले आपने पैन में 1 किलो गाजर डाल देनी है। इसी के साथ हमने 3 ग्लास दूध ऐड कर देना है। ये देखें, 1 ग्लास, और ये जो इस पे आ रही है ये क्रीम है, ये फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने, 2 ग्लास। एंड देन ये 3rd ग्लास भी हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्स करके इसको कवर करके आपने छोड़ देना है। ठीक है, इसमें सॉरी, आप इलायची पाउडर भी इसी इसमें डाल दीजिए। ठीक है, ये हमने इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करें, कवर करें और उसको छोड़ दें जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाए। ये देखें, अभी हमने खोल के देखा है, इसमें अभी और पानी है। इसको जब तक ड्राई नहीं हो जाए आपने कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये देखें, ड्राई होके देखें, ये इस तरीके का हो जाएगा। ये देखें, इसमें अब बिल्कुल पानी नहीं रहा। अब इस टाइम पे हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ठीक है, चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। ये अब हम चीनी ऐड करें। यहाँ पर चीनी, जो बहुत तेज़ चीनी खाते हैं, थोड़ी सी चीनी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनफ थी, क्योंकि पाउडर मिल्क की भी मिठास आएगी इसमें तो बहुत रहेगी। ठीक है, ये हमने इसमें चीनी ऐड करी है, इसको मिक्स करेंगे और चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो उसको भी ड्राई होने देंगे। ठीक है, इसको अभी कवर नहीं करेंगे, हम मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, हमने फुल क्रीम मिल्क लिया था, उसमें जो मलाई थी उसकी वजह से हल्का सा दाना अभी से आ गया। ये देखें, चीनी ने अपना पानी छोड़ा है, और ये देखें, इसको आप ड्राई होने तक इसमें घी ऐड नहीं करेंगे। जब तक ये ड्राई नहीं होगा, जब तक आप घी ऐड नहीं करेंगे, ये हम वेट करेंगे इसके ड्राई होने का। ये देखें, ये ऑलमोस्ट ड्राई होता हुआ आ गया है। इसमें थोड़ा सा अभी रहता है, इसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, थोड़ा स्पून चलाते रहेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, और देखिए कलर भी इसका अभी तक सेटल है, काला नहीं पड़ना चाहिए। थोड़े खुले बर्तन में ही बनाएंगे आप। ठीक है, ये देखिए, ये इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने घी ऐड करा, ये मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा डाल दो। यहाँ पर मैंने पूरा घी ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे। घी डालने के बाद आपने स्पून रोकना नहीं है, कंटिन्यू आपने स्पून चलाते रहना है, इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जब तक घी आपका ट्रांसपेरेंट सा आपको नज़र ना आ जाए, जब तक आपको स्पून चलाते रहना है इसमें। ठीक है, मिक्स करते रहना। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने भी कंटिन्यू इस पर स्पून चलाते रहा है। ठीक है, ये जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, जब तक, ये देखिए अब ट्रांसपेरेंट हो गया घी, बिल्कुल गाजर ने घी छोड़ दिया है, ये हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इस टाइम पे इसमें पाउडर मिल्क ऐड करेंगे, और पाउडर मिल्क वहाँ डाल देंगे ज़्यादा जहाँ पर आपको घी नज़र आ रहा हो। ठीक है, मैं वहाँ वहाँ पाउडर मिल्क ऐड करूँगी जहाँ पर घी नज़र आ रहा है, साइटों पे जहाँ जहाँ ज़्यादा घी आपको शोर है वहाँ पर आप पाउडर मिल्क डालते जाएं। और ये थोड़ा थोड़ा करके मैं सब जगह अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है।
ये देखें, और ये अच्छा आपका चंक्स बन जाएंगे, जैसे खोए के होते हैं वैसे ही सेम आपके वैसे ही चंक्स बन जाएंगे, और बहुत ज़बरदस्त सा ये हलवा रेडी होएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हम थोड़ा सा देर इसको रुकेंगे और उसके बाद हल्का हल्का सा हम इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा। ठीक है, ये मैंने हल्का हल्का सा, ताकि बिल्कुल सब जगह स्प्रेड हो जाए। ये अब हम इसको हलवे को मिक्स करना शुरू करेंगे। ठीक है, हमने मिक्स करा, क्योंकि पाउडर भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब आप वो मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, हमने ये अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। ये आपका देखिए ये कैसा, इसका टेक्सचर कैसा आने लग गया, बिल्कुल बाजारू हलवा बनेगा। आपको कोई खोए की नीड नहीं होगी, बस ये आप पाउडर मिल्क से ही आपका ये खोया बन जाएगा, और ये बहुत टेस्टी बनेगा। ये देखिए, इसको थोड़ा सा आप भुनेंगे, और ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ फोकस करके। ये देखिए ज़बरदस्त सा हलवा रेडी हुआ है, यमी सा। ये देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है, हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए अब हम इसको डिश आउट करने चलते हैं। ये देखिए हमने इसको निकाला, इस पर आप बादाम पिस्ते वगैरह ऐड करते जाएं। ये देखिए मज़ेदार सा हलवा आपका रेडी है। सर्दियों में आप लोग ज़रूर बन, बहुत से लोग तो बहुत बनाते हैं सर्दियों वगैरह में, आप लोग ज़रूर इंजॉय करिएगा ये बना के, बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए औसम औसम बना था सच में। ठीक है, ये देखें आप करीब से भी देखें, और बहुत ऐसा अच्छा टेक्सचर आता है, बिल्कुल बाजार जैसा लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें मैं खा के ज़रा देखती हूँ, मीठी भी मतलब चीनी वगैरह सेट है, यम्मी बना है बिल्कुल। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।